नौजवान लीडर अनुराग ठाकुर साहब उनकी क्रिकेट के बहुत शौकीन है और हम जरूर उम्मीद रखेंगे कि जब अभी एक बॉल में भी खेलूंगा अपनी जाएगा ये खुद भी ये हमारा एक्चुअली सर ग्राउंड ही है। Давайте шиниться вам. खिलाड़ियों की जानिब से एक कश्मीरी शॉल पेश किया जाए। आपकी जोरदार ताली के बीच उमर गकरू साहब पेश कर रहे हैं एक कश्मीरी शॉल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, पूरा देश इंतजार करता है इसमें भाग लेने के लिए। खेलो इंडिया अभियान एक ऐसा अभियान है जहां पर यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है। अभी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में चल रहा है और ये बर्फबारी जो आप सबके सामने हो रही है ये विंटर गेम्स का आगाज कर रही है। कहीं और नहीं, धरती पर स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग में। और आप देख सकते हैं सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। खिलाड़ी 1500 से ज्यादा देश भर के पहुंच चुके हैं, 29 राज्य और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। 6 दिन तक चलने वाला ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 11 गेम्स में भाग लेंगे। ये आज तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। मैं अपने सभी इन युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर कश्मीर में सभी खिलाड़ियों का और हम सबका स्वागत करने के लिए आए हैं। अंगमार्ग पे हम लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरी बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। ये है खूबसूरत कश्मीर और यहाँ पर देश भर के लोग जहाँ एक और टूरिस्ट के रूप में आते हैं। आज 1500 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैंने स्वयं यहाँ पे बर्फ में क्रिकेट भी खेला लेकिन विंटर गेम्स यहाँ पर होने वाली है और उसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। और कश्मीर का कल्चर क्या है वो भी स्वागत कितनी गर्मजोशी से करते हैं। काबा के साथ साथ यहाँ का डांस भी आपको देखने को मिलेगा।